इन्फो विजी टीवी के मौजूदीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दास्तान के आने वाले एपिसोड के बारे में और आज हमारे उनवानात ये रहेंगे, क्या बालामीर को सजाए मौत दे दी जाएगी, क्या अल्पागो के लिए अब रास्ता साफ है, क्या चोलपान खातून अल्पागो को शर्त पूरी करने के लिए अभी भी दबाव डालेगी, क्या 21 के लिए कोई नई मुसीबत आने वाली है। तो नाज़रीन तफसील से बात करते हैं, लेकिन तफसील से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इन्फो टीवी के तमाम वीडियोस तक रसाई हासिल हो सके। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने दास्तान की पिछली किस्त में देखा कि बालामीर आखिरी वक्त में खान बनने से रह गया, क्योंकि 21 और बतूगा ने आखिरी लम्हात में बाजी पलट कर रख दी। अल्पागो दोबारा तख्त लेने में कामयाब हो गया और उसकी कीमत यकीनन 21 और बतूगा दोनों ने चुकाई है अपने प्यार को पीछे छोड़कर। नाज़रीन, जैसे ही अल्पागो बतूगा वगैरह तख्त की तरफ आते हैं तो अदालत भी, मतलब कि काजी भी मौजूद है बालामीर पर मुकदमा चलाने के लिए, और बालामीर को गद्दार साबित करके, जो कि साबित तो हो चुका है, और उस पर सज़ा देने के लिए जो कि यकीन इदाम मतलब कि मौत की सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन बालामीर इस सज़ा को चैलेंज करेगा, क्योंकि इसलिए उसने पूछा है कि असली पंजा कहाँ है। और यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाएगी और 21 के लिए एक नई मुसीबत शुरू होगी, और अल्पागो भी दोबारा तख्त को कमज़ोर होने से बचाने के लिए यकीनन कोशिश करेगा कि किसी भी तरह असली पंजे को हाथ करके अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करे। नाज़रीन, अल्पागो के लिए अभी भी रास्ता साफ नहीं, क्योंकि अगर वो असली पंजे को गिरफ्तार नहीं करता तो उसके लिए कौंसिल मतलब कि कुरलताई की तलवार मुसलसल लटकती रहेगी, और ये चीज़ एक नई मुसीबत बनेगी 21 के लिए, जिसका हल बतूगा और 21 दोनों के लिए तलाश करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, अब बात करते हैं चोलपान खातून की, क्या चोलपान खातून की शर्त अल्पागो खान पूरी करेगा। तो इस बारे में हमारी राय यह है कि अल्पागो खान चोलपान खातून की शर्त से मुकर जाएगा, क्योंकि तुतकुन और तैमूर दोनों साथ भाग चुके हैं, इसलिए जहां तैमूर का कसूर है वहीं तुतकुन भी बराबर कसूरवार है, इसी वजह से ये शर्त साकित हो जाएगी। और रही बात मुआहदे की, तो मुआहदा बरकरार रह सकता है, वो भी इस सूरत में कि काया चोलपान के खिलाफ ना बोले। अगर काया या किसी और ने चोलपान के वोट के बारे में जो उसने बालामीर को दिया था बाज पुरस की, तो मुआहदा भी ख़त्म हो सकता है। नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।